हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएमएम फोडलर लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, इस शेयर आपका फंडामेंटली कैसा कंपनी है, इस शेयर का टेक्निकल चार्ट कैसा है और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका हाई गया था 4750, लो गया था 4521.10 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया था 5.86% एंड उस दिन ये शेयर आपका क्लोज हुआ था 4690.50 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹6856.34 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹6929.89 करोड़ एंड पीई रेशियो है 64.62। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹105.37 करोड़ का। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.29। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.08। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹72.58, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.27% एंड आरओसीई है 35.59%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 53.09% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ है 24.10%। ये जो कंपनी है जीएमएम फॉडलर, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 54.95%, पब्लिक का होल्डिंग है 27.09%, एफआईआई का होल्डिंग है 12.15% एंड डीआईआई का होल्डिंग है 5.82%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 54.95% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 100% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाय सजेस्ट कर रहा है। और एक चीज देखिए, ये शेयर आपका हर एक साल अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस शेयर ने अभी तक जो मैक्सिमम आपका रिटर्न दिया है वो है आपका 560.31% का। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा से शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया हूं और यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे की तरफ एक आपका लाल कलर का लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये लाइन इस शेयर का एक आपका सपोर्ट लाइन है। ठीक है, कैसे सपोर्ट लाइन है, देखिए लास्ट टाइम जब भी ये शेयर गिरा था इसी लाइन के नजदीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया। फिर से देखिए, अभी जब ये शेयर गिर रहा है इसी लाइन के नजदीक फिर से आया है और इसको तोड़ नहीं पाया है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। और देखिए, लास्ट 19 आपका मई का दिन यहाँ पे एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, जिस कैंडल में सुपर 10 ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भी भाग रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज 200 डेज और 50 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर टच करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी यहाँ पे देखिए आपका अबव 60 चला गया है और एमएसीडी भी जस्ट आपका 0 पॉइंट से ऊपर गया है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया, यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ए शेयर ऐसे अगर देखेंगे तो आप लोगों को एक अपटर्न में ही दिखेगा। देखिए, ये शेयर लास्ट 4 वीक से यहाँ पे गिर रहा था। ठीक है, 4 वीक बाद, 4 वीक कंटिन्यूअसली गिरने के बाद अभी जो करंट वीक खत्म हुआ, इस वीक में यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ एंड इसी कैंडल में सुपर 10 ने बाय सिग्नल भी दिया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। आरएसआई भी देखिए यहाँ पे आपका अप ट्रेंड हो चुका है और एमएसीडी भी आपका एक न्यूट्रल जोन पे है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके,
तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है लगभग आपका 4690, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 1 से 2 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने के अंदर इस शेयर आपका 5200 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।